You just tell me yes and I'll start. Okay. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे इस शो में, वन मार्क सॉल्यूशन की वेबिनार सीरीज में, जो कि चल रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ वन मार्क सॉल्यूशन एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर ऑन द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट in 2020 after a long gap of 1986 also. So सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि कल हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित कुछ मुद्दों पर, बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड हमारे उस एपिसोड को आप देख सकते हैं, हमारे उस एपिसोड को आप देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पर इसी चैनल पर उपलब्ध है। सभी दर्शकों से अनुरोध है अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी शेड्यूल्ड वीडियो शेड्यूल्ड वेबिनार्स हों उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो चैट बॉक्स में दिया हुआ है, इन बिटवीन भी मैं भेजता रहूँगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करें सो दैट आप हमारे साथ जुड़े रहें, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी। आज का हमारा जो मुद्दा है, आज हमारा दूसरा दिन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ आज की चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम डॉक्टर सुचित्रा भट्टाचार्य जी। मैडम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सुचित्रा जी, सुचित्रा मैडम बेसिकली एक सोशल वर्कर भी हैं, एक क्लासिकल डांसर भी हैं, एक क्लासिकल सिंगर भी हैं, ना केवल एजुकेशन फील्ड बल्कि एजुकेशन से एजुकेशन के साथ साथ में जो आर्ट है, आर्ट में भी मैडम उतनी ही दमदारी से पकड़ है जितनी शिक्षा पर है। मैडम प्रेजेंटली जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल नई दिल्ली में प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रही हैं। शी इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन जीडी गोयनका एंड हैज 19 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल सेक्टर। 19 सालों का एक लंबा अनुभव मैडम के पास है, और साथ ही अगर मैं बात करूं आर्मी बैकग्राउंड से मैडम आती हैं, और कई सालों तक आर्मी स्कूल में भी मैडम एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर भी रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत करीब से आर्मी को देखा है। और कल हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है, हमारी आज़ादी के इतने साल हो गए, 74th जो है इंडिपेंडेंस डे गया, वो इनको सेलिब्रेट टुमारो। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता है हमारी, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुशल प्रशासक हैं, एक बहुत ही विद्वान शिक्षाविद हैं, और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी अपनी पकड़ रखने वाली है। मैं डॉक्टर सुचित्रा भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे व्यूअर्स के साथ जो है, मैडम प्लीज। मैडम यो माइक इज म्यूट, ओके नाउ यू कैन स्पीक। आई हैव अनम्यूटेड, ओके। नमस्कार वंस अगेन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत लंबा चौड़ी इंट्रोडक्शन आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा करेक्शन, अभी फिलहाल मैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ एंड आई एम बेस्ड इन दिल्ली। जब आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है विद द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये डांसर एंड म्यूजिक का भी मेरा क्वालिफिकेशन है, एंड सच बताओ बहुत फायदा हो रहा है मुझे। अभी जो सीखा है मैंने उसके दौरान, जो मुझे परफेक्शन चाहिए वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है, बिकॉज आई नो व्हाट इज देयर इवन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो इसीलिए शायद हम सबको जरूरी है कुछ हॉबीज भी साथ साथ लेके चलना। हॉबीज हमेशा फायदा देता है जब हम सीखते हैं, और अभी जैसे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी। To talk about the educational policy 2020, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ये पॉलिसी आया कैसे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से
ये पॉलिसी करने के लिए बहुत दिन लगाया गया है और सभी में हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड में हैं, हमें भी मौका दिया गया था टू सेंड आवर ओपिनियन। सो ये हमारा, मेरा, आपका वॉइस है ये एनईपी। ये जो आया है ये सडनली अचानक नहीं आया कहीं से, इट इज सबकी, इट इज ऑल वॉइस ऑफ एवरी वन, एंड देयरफॉर ये बहुत फायदे वाला है बच्चों के लिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज इसका सोच बहुत आगे तक। इट इज वेरी बेनिफिशियल प्रोवाइडेड वी यूटिलाइज इट इन द प्रॉपर मैनर। ये एक फ्रेमवर्क दिया गया है हमें, वी नीड टू इंश्योर दैट वी मेक यूजेज ऑफ दिस इन अ पॉजिटिव वे। सो जस्ट टू टॉक अबाउट इट, द पॉलिसी डिस्कशन एक लंबा जर्नी था, ये अचानक नहीं आया। डिस्कशन विद द एडुकेटर्स, विद रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, सभी से लिया गया था। सो ये अचानक हम नहीं बोल सकते ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, सारे ठीक है। 70 ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कंसल्टेड, एंड एज आई सेड बहुत टाइम लेके ये हमने किए हैं। नाउ रादर देन डिस्कसिंग द नेगेटिविटीज, लेट अस सी कि इसमें अच्छाई क्या है, व्हाट ऑल गुड इज देयर इन द पॉलिसी, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी जर्नी। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करें तो फिर ये इसका कोई फायदा नहीं है। Another thing what I want to say is, ये पॉलिसी में कहीं ऐसे कुछ है ही नहीं which is not been done, जो हमने पहले किया नहीं। So what is there to discuss so much? I am very positive कि this NEP is very very much useful for all of us. इसका एक vision है, India centric education. This is something which is totally based on the India, for the Indian students and for the country, providing high quality education. Balki ye NEP 220 pe jo aaye hain, it has been awaited document for 34 years. 34 years ke baad ye policy aaye hain. The policy actually aims to achieve 100% youth and adult literacy. Main PPT mein bhi dikhaungi, the gross enrollment ratio of the higher education, including the vocational education, from 26.3% jo hame 2018 pe hamara target tha, abhi it will rise to 50% in 2035. Yehi hamara plan hai, and it aims to add 3.5 crore seats to the higher education institution. So, overview में हम देखेंगे कि it has touched every corner. It has touched early childhood education available for all the children. The new policy जो है हमारा 5+3+3+4 development pedagogy जो है हमारा, ये बहुत फायदा होगा बच्चों को। मैं detail में जाऊंगी। Integrated flexible school curriculum, ये भी बहुत अच्छा एक progressive thought है। फ्लेक्सिबल स्कूल करिकुलम, जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स तो कर रहे थे लेकिन इट वॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे, बिकॉज इट वॉज इन द CBSE करिकुलम द फ्लेक्सिबिलिटी वॉज देयर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। हाउएवर ये जो पॉलिसी अभी आया है, आई थिंक इसके लिए सबको फायदा होगा, सब अभी फ्लेक्सिबल हो सकता है। एज आई सेड, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030, यही है इनका फ्यूचर। देयर इज अनदर, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एंट्री एग्जिट, ये भी हमारे लिए बहुत फायदा होने वाला है। हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम, आई विल जस्ट गो इन टू डीप डिटेल, ये स्ट्रीम सेपरेशन जो हम फॉलो कर रहे थे, इसमें भी मैं बताऊंगी कि बहुत सारे स्कूल्स जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास फैकल्टी है, ये लोग कर रहे थे। हाउएवर वी वर लिटिल रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ये ऐसे एजुकेशन पॉलिसी में कभी डिस्कस नहीं किया हुआ था, इसीलिए बच्चों को काफी काफी बार हमने देखा है ड्रॉप आउट्स इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम्स,
व्यूअर दे वर नॉट गेटिंग द स्ट्रीम, जो चाहिए उसको जो जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए काफी ड्रॉप आउट्स था। तो ये शायद बहुत फायदा होगा और इसमें ड्रॉप आउट्स भी कम हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, इसमें भी मैं आऊंगी। इसमें जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हम क्लास 8 ऑनवर्ड्स दे सकते हैं उसमें भी काफी बच्चों का बहुत फायदा होने वाला है। दिस इज जस्ट रफली, आई विल कम बैक टू ऑल दीज स्लाइड्स अगेन। द टीचर ट्रेनिंग, सबके लिए हमारे को टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए। अभी जो पैंडेमिक के लिए, लॉकडाउन के लिए जो हुआ है, द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ द टीचर्स, जो टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते थे वो अभी जो ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं, इट्स एन एक्सीलेंट शिफ्ट और एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म विच द टीचर्स हैव गॉन टू। इनफैक्ट शायद हम 10 साल लग जाता जो स्टेज में अभी हम है, वी वुड हैव रीच देयर आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन दिस लॉकडाउन हैज मेड इट पॉसिबल इन 15 डेज। सो ये जो किया है इसमें इट शोज दैट टीचर्स आर ग्रेट लर्नर्स। इट्स यू आर डीलिंग विद द फ्यूचर जेनरेशन, हम फ्यूचर जेनरेशन को तैयार कर रहे हैं, उसमें वी हैव टू कीप आवर पेस टू कम टू दैट लेवल। एंड ये लॉकडाउन या पेंडेमिक या कोरोना के लिए द टीचर्स हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। हाउएवर ये पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि टीचर्स वर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड अबाउट द डिवेलपमेंट, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग दिया जाता था। लेकिन एज मैं दोबारा ये बताऊंगी, हर कोने कोने पे नहीं हुआ। अभी ये पॉलिसी के दौरान इट विल बी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी टीचर टू गेट अपग्रेडेड, टू गेट अपडेटेड, सो दैट दे कैन कीप द पेस विद द न्यू जेनरेशन, विद द न्यू स्टूडेंट्स। सो basically as we said, the education policy is aiming for the gross enrollment ratio. I would say the flexible curriculum jo NEP mein diya gaya hai, the creative combination of subjects jo diya gaya hai, vocational and multiple entry exit jo diya gaya hai, ye bahut fayda wala hai. And it aims to the universalization of the education, I can say, for the preschool, jo ye another thing which I said that 5+3+3+4, ye jo early years ka humne diya hai isme new education policy mein, isme now what will happen is we will see that everyone is sending their child to the school. Abhi tak kya tha, bachcha class 1 mein jayega aur maybe 2, 3, 4 mein join kar sakta hai, and बच्चे घर में पढ़ रहे थे, फाइन। बट ये एक जरूरी है कि स्कूल जाने से पहले भी स्कूल के लिए तैयार हो। सो दिस विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। दिस प्रोसेस, दिस एनईपी lays emphasis on the universal access of schools for all children. We will ensure that all children get education, एंड इसमें जैसे मैंने बताया ड्रॉप आउट्स का बहुत कम हो जाएगा। दी एजुकेशन पॉलिसी विल बी सीइंग मोर प्रोडक्टिव एनलाइटमेंट इन अ नटशेल, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू जस्ट जो मैंने आपको बताया, 100% GER इन द स्कूल बाय 2030। GER इज बेसिकली इन हायर एजुकेशन विल बी रेज टू 50% बाय 2035, and as I said, the 3.5 crore seats will be added in the higher education. So NEP will bring 2 crores of children back into the mainstream. So ye bahut progressive ek policy aaya hai hamare paas. Aur jaise main bataya ki ye jo preschooling ka jo aaya hai, Anganwadi school jo hum bol sakte hain, isme bhi we will see chote chote bachche bhi abhi school jaane lagenge. तो उसमें जो सिखावट, क्योंकि बहुत सी पेरेंट्स हैं जो टाइम नहीं मिलता या इनका फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन है, इन लोग छोटे छोटे बच्चों को इतना स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते थे, तो वो अभी वंस दे गो टू द स्कूल दे विल डेफिनेटली गेट द स्ट्रीमलाइन एजुकेशन एंड अ लिटिल हायर। थोड़ा सा जब हम ऊपर आ रहे हैं, ये जो नो रिजिड सेपरेशन, नो रिजिड सेपरेशन ऑफ द एकेडमिक, आज अब तक क्या हो रहा था, जो बच्चा बहुत अच्छा है वो साइंस ले लिया, जो ठीक ठीक है वो कॉमर्स ले लिया, और जो
बिल्कुल ही पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो ह्यूमैनिटीज ले लिया। यही हमारा माइंडसेट था। दिस वाज द माइंडसेट ऑफ ऑल द पेरेंट्स आई मीन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का उतना नहीं है, बिकॉज हम पहले से अभी 2-3 साल से वी आर ऑलरेडी सीइंग कि ह्यूमैनिटीज में बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। जो जो क्लास 10th में those children who are scoring high marks, even they are going to humanities section. क्यों? क्योंकि उनको पता है आगे क्या करना है। However, generic general view of parents is science में बच्चा जाएगा तो बच्चा बहुत अच्छा है। इसमें क्या हो रहा था कि छोटे बच्चे जो children who are not having the aptitude for science, they were struggling. And we would say in class 11, there was lots of children with depression, lots of children with unable to cope up with the syllabus and therefore dropouts. This will definitely stop. Because all this time, what we thought is children who are not very good in studies go in humanities. Abhi, this concept will just vanish. That is something very good. Vocational education will start from class 6, which is need of the hour. Hamara foreign culture, sab jaate hain foreign university mein padhne ke liye, but wahan pe jaake hum dekhenge, if we see, if we analyze the western culture, vocational training is given to middle school. Ye hum bhi shuru karenge, because hum bachcho ko sikhana hai, we have to teach the children the importance of labor, the importance of doing such work. तभी जाके उनको रिस्पेक्ट आएगा। जैसे ही रिस्पेक्ट आएगा वो खुद भी सीखना चाहेंगे, फिक्सिंग अप द लाइट्स और डूइंग ऑल सच वर्क। दे नीड टू हैव एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दे नीड टू हैव ए हैंड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करेंगे हम सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो वी कैन गिव देम अ व्यू ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस एंड हाउ वी शुड रिस्पेक्ट सच अ वर्क। So that will again give excellent. Like all this time, even for 11 and 12, हम क्या देखते थे, जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उसको हम फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक या पेंटिंग दे दिया, लेकिन अभी शौक से बच्चे ले सकते हैं। सो एंड दे विल बी प्राउड कि लाइक जैसे मेरे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आई कैन टेक अप पेंटिंग, आई कैन टेक अप लीगल स्टडीज, जो मर्जी मैं लूं। And they can be proud of whatever combination they are having. So that is something which is going to happen, and it's going to be really very good. Teaching up to at least grade 5 in the mother tongue. Ye again, we need to hame sikhana chahiye. Hamare desh ke liye garv hona chahiye. Like jaise inhone bataya, main army se belong karti hu. I have seen so many states, and I feel so proud to say that I'm an Indian. And we have seen that our children, जब वो पंजाब में गए हैं वो पंजाबी लैंग्वेज सीख लिया, when they went to Haryana, they learned Haryanvi, when they went to JNK, they learned JNK. So इसमें जो मजा है अपना लैंग्वेज का, जब आप जो स्टेट में हो अगर आप उसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, it will be the best to understand. हमारा देश के लिए, मदर टंग के लिए एक रिस्पेक्ट आएगा, इन द लॉन्ग रन हमारे देश के लिए भी रिस्पेक्ट आएगा। दैट इज समथिंग विच इज नीडेड। बट इसमें काफी क्वेश्चंस आ रहा है हमारे पास कि मदर टंग में पढ़ेगा तो इंग्लिश का क्या होगा। इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग। द एज आई सेड, पॉलिसी इज अ फ्रेमवर्क। अभी हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज दैट लिबर्टी इज गिवन टू अस। सो इट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क गिवन। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी योर इन अ मदर टंग, यू आर वेलकम। If not, English is fine enough. That because ultimately we have to prepare global citizens also. So talking about the higher education, once again, flexibility of the subjects, which many progressive universities are giving these days. If you ask me, apna school mein bhi, Manav Rachna International School mein bhi, hum bhi de rahe hain physics chemistry ke saath. We are giving painting, we are giving legal studies, we are giving economics. So it's okay, but as I said, sare schools nahin follow kar pa rahe the because of whatever reason, because of the infrastructure, because of the faculty, because of the affiliation in these streams, and therefore we could not utilize it. However, abhi ye policy mein hamara aa gaya hai, so I think it's going to be very, very easy for schools to follow. Aur wo bachche ke liye, it is very student friendly. Bachche jo chahte hain, jo jisme unko acha lage, he can
कीप ट्राइंग विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बट यस, इस मामले में मैं एक बार एडवाइस देना चाहूंगी, अगर एनी ऑफ माय लिसनर्स आर स्टूडेंट्स और एनी ऑफ माय लिसनर्स आर पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी क्लास 11 12 आने वाले हैं, उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि दे शुड एनालाइज अच्छे से एनालाइज करें कि मैं क्या बनना क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू डू इन लाइफ। ये एनालाइज अच्छे से करें, नहीं तो क्या हम ये भी ले लिया वो भी ले लिया तो कोई पैरिटी नहीं रहेगा और हम हमेशा कंफ्यूज नहीं रह सकते। वी हैव टू कम टू अ डिसीशन जितना अर्ली हो सकता है अच्छा है, अगर कंफ्यूजन है द ऑप्शन इज ओपन फॉर अस। Another thing which is very very progressive, I will say बहुत अच्छा एक step है, academic bank of credit to be established। ये एक इसमें इसके लिए भी काफी negativities are floating around। negativities तो मैं नहीं बोलूंगी, questions, inquiry, क्योंकि नया चीज है, सब curiosity बहुत है कि कैसे implementation होगा क्या होगा। So ये जो credits रखेंगे इसमें क्या हुआ, वी सी बिकॉज ऑफ आर इंडियन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इन द रिमोट एरियाज, उनका क्या है, देर आर ड्रॉप आउट्स अगेन इन द कॉलेज लेवल बिकॉज फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, वट एवर बी द फिनेंशियल कंडीशन, बी द फैमिली प्रॉब्लम्स, दे ड्रॉप आउट। एंड वेन दे गो फॉर एडमिशन देन वी से अरे एक साल तो गैप है, कोई कॉलेज एंट्री नहीं देंगे। तो इसके लिए ये बहुत फायदा है कि बच्चा वी कैन क्रेडिट, वी कैन कीप आर स्कोर्स एंड देन मे बी इवन इफ इट्स अ गैप वी कैन ऐड ऑन टू इट एंड वी कैन कंटिन्यू। सो इसमें 100% देयर विल बी अ मार्क चेंज इन द ड्रॉप आउट्स एट हायर स्टडीज आल्सो। देन वी कम टू नेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें तो बोलने का कुछ है ही नहीं, कोविड एंड नेशनल पॉलिसी बिल्कुल साइमल्टेनियसली आ गया है। वी हैव ऑलरेडी taken the platform to a great height. ये curve जो हमने लिया है because of COVID from March onwards, सारे schools, हमारा तो 6th April से we had started the online classes, virtual online classes through Teams and excellent response. ये response इतना positive नहीं हो सकता था अगर सारे stakeholders इसमें हाथ नहीं मिलाए होते। We have seen teachers, management, students, parents, everyone has cooperated and we have taken an excellent upward curve in the digitization of education. So, ये अभी करना ही था and NEP तो COVID के लिए नहीं आया, though it was simultaneously at this particular time. However, NEP we had started working for so many months back, जैसे मैंने पहले slide में दिखाया, बहुत काम इसके पीछे हुआ है। सो दिस वॉज अ बून नाउ कोविड टू सम एक्सटेंट इन दिस कैटेगरी, इफ आई टॉक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इट वॉज एन एक्सलेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन दैट वी हैव डिजिटाइज एवरीथिंग। सो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें मिल था, वी ऑल न्यू इट, वी हैड टेक्नोलॉजी इन आर हैंड्स, हाउएवर यूजेज नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, बहुत अच्छे से इसका यूजेज हो रहा है एंड दिस इज वॉट इवन एनीपी वॉन्ट्स टेक्नोलॉजी। अभी क्या होगा, वी विल हैव अ न्यू नॉर्मल, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेंडेड सॉर्ट ऑफ एडुकेशन, बहुत अगर बच्चे क्लास में भी आए, ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करना शुरू किया दिस विल कंटिन्यू, सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अगेन वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। The affiliation system is to be phased in 15 years. It's going to be again a very very automated, it's going to be very systematic way of doing. Now when we talk of the National Institute of Indian Institution of Translation, this I will not comment much, I will go into the school section being a part of the school leader. I will again talk of the gender sensitization in the sense the inclusive education, the special education zone, this again will be dealt with. यहाँ पे भी मैं दोबारा यही बोलूंगी, progressive schools सारे implementation शुरू किया है already. However, with the NAP coming in, I think सारे schools अभी ये शुरू करेंगे. And जो special education oblique the inclusive education, if I can say, ये जो हमने शुरू किया था, this was really such a boon
टू द चिल्ड्रेन. इसमें बच्चे ऑलरेडी दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग इट बिकॉज द चाइल्ड हु इज प्रिविलेज्ड, जो अच्छा है, जो भगवान की दुआ से, हु इज ऑलरेडी अ नॉर्मल चाइल्ड, ही इज शेयरिंग द सेम बेंच विथ अ चाइल्ड हु इज नॉट सो लकी. इसमें दो किस्म का फायदा होता है, जो नॉट सो लकी है, ही इज लर्निंग फ्रॉम द चाइल्ड हु नोज एवरीथिंग, एंड द चाइल्ड हु इज लकी इनफ, हु हैज गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, he is also understanding the special child. So inclusive education, gender sensitization and special education zones is being going to be dealt with national education policy, aur usme bhi hum dekhenge ki children will be very very happy. It will be the education policy is actually more productive, it's going to have an impact in the Indian economy. Why? Because literacy is directly proportional to the economy of the country. The more literacy we have, the better economy we will see. So in 2020 for Indian schools are actually, we will see that the quality of education will be much more progressive. That is something. If we talk of the education, it 100% lays emphasis on experiential learning. Experiential learning, do and learn, karo aur seekho. इसमें जो एम्फोसिस है एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में, ये आई थिंक इफ वी इम्प्लीमेंट दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड. ये हमारा आपका सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इम्प्लीमेंट करें, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज द फोकस ऑन द 21st सेंचुरी स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग बोलिए आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग विज visible in this education policy. The policy expects that by 2020, 50% of the learners through the school and higher education system will be exposed to the vocational education, I can say. So the vision is very balanced, बहुत balanced thought process है ये education. The socially, and it's very socially meaningful, सभी के लिए सोचा है. NEP 2020 has thought of every corner of the country. So we will see that there will be, since as we said, separation of streams nahi hai, so we will have lots of children taking jo unko pasand aaye wo hi they will take. Abhi emotional or psychological strength bhi milega unko. They will not be feeling low, they will not be feeling bad that they are not taking, because wo bhi to mainstream mein aaya hai hamara. So this will be actually very helpful for both the teachers and for the students. So early years ka jo strengthening of the childhood, as I said, Anganwadi jo hua hai, the preschool. Ye preschool we saw ki har jagah pe chota chota ghar mein jo some educationists, what they did was preschool for business purpose. Some people did really want to take up as educationists and try to help. We have seen kafi chota chota schools ali gali mein bhi hai, kafi chota schools bahut acche se bhi organized kiya hua hai. So now this will become very recognized. So quality early childhood care and education now will be available to all the children between 3 to 6 years. And हमारा target है 2025 में हम सब बच्चों को ये education दे सकते हैं. So the policy we will see emphasizes critically on early childhood education and persistence of this advantage throughout the individual life. Because वो शुरू से the child will be now streamlined for such a wonderful policy, I mean wonderful education, where the child will be prepared, तो तैयारी हो जाएगा to come to the mainstream school. So ensuring fundamentally literacy and numeracy, the policy recognizes the learning crisis in language and mathematics during the primary years and its impact of attendance, retention and later learning. That's what I said. Jo early years mein se hi hum ye planned curriculum hum de denge, it's going to be very much useful and children will be ensured
कि वो एक लेवल तक आ जाए, लिटरेसी एक लेवल तक आ जाए, दे लर्न व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट इज अदर लैंग्वेजेस, एंड देयरफॉर हम अभी ये अभी भी हैव सीन क्या प्राइमरी स्कूल्स में, इनफैक्ट मिडिल स्कूल ऑल्सो, काफी बच्चे स्कूल्स में मील के लिए ही आते हैं. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन, जो हमारा चल रहा था दैट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज न्यू, ये दोनों मिला के वी विल सी द चिल्ड्रन शुड एंजॉय स्कूल. स्कूल अगर एंजॉय नहीं करे तो फिर क्या फायदा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द चिल्ड्रन विल हैव टू एंजॉय देयर स्कूलिंग सो दैट दे वेट फॉर टुमारो, कल के लिए वो वेट करे स्कूल में आने के लिए. सो दैट विल बी अचीव्ड इफ वी फॉलो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन अ प्रॉपर मैनर. सो आई थिंक इफ वी फॉलो दिस प्रॉपरली देयर विल बी बेटर लिटरेसी and we will attain the job market also will be better because ultimately it is the same curve wo early years se shuru karke it is the same curve hum dekhte hain bahut sare in fact proper cities mein we see lots of our talents going abroad higher studies karne ke liye chale jate hain because unka jo stream chahiye hota hai they are not getting it and another thing jo hota hai say for example all this time hum agar bachcha class 11 12 mein physics le liya chemistry le liya maths bhi nahi hai bio nahi hai usko physical education hai ya kuch aur subject hai college entry mein when he goes then they see bhai mainstream subject mein you have this however you don't have another subject which is required and therefore wo admission nahi milta. Whereas वही बच्चे when they are going to foreign universities, we are going to overseas, they are getting whatever subjects they have. So all these will stop and therefore the brain drain also will be stopping. And once our children get educated in the school, the job market also will increase. So we need to ये सब मिला के now everything will have to work hand in hand. And another thing what we have to understand is education is incomplete when we do it individually. Education has to include the school, the family, which means the parents, the society, the community, and we have to teach the child the responsibility of this, to take the responsibility. Jo we need to teach the child the importance of traffic police. We need to teach the child the importance of the people who are cleaning our roads. We need to teach the children the importance of gardening. We need to teach our children the importance of post office, railways. And yeah, I think with this policy, with the experiential learning, with children getting exposed to vocational learning, I think sara problems will be solved to quite an extent. So they will understand. The moment they understand, they will respect aega. The moment they have respect, they will definitely would like to opt for these subjects also. So we see that the policy expresses concern to the ability to retain all children in school till grade 12. That is one thing which the policy is very clear about it. And I think ye jo different combinations jo aaya hai, ye combinations ke liye I am sure ye we will be able to retain children in class 12 and therefore dropouts will be less, which maine pehle bhi bataya. The policy envisages a new curricular and pedagogical structure for school education, which is responsive and relevant to the needs and interests at different stages of development. Frankly speaking, agar self-awareness nahi hai, self-awareness, self-regulation, the empathy, the social skills, the internal motivation, all these things are part of education. We have to understand, hum to ek achha citizen banana chahte hain. Frankly speaking, India has the largest youth in the world. Agar ye youth ko hum acche se channelize kare, if we give them a chance to become good human beings, if we give them a chance to respect their country, if we give them a chance to be educated, I think India will see very bright days ahead. So that is what is the aim of the new education policy. Health and wellness again is very much emphasized in the new education policy. Health and wellness is a part of the education. That does not mean the child has to be only healthy. We have to take care of the mental health, the psychological health of a child. That is also very much needed. So that has to be done. Ek din mein nahi hota. Happy classrooms ek din mein nahi ho sakta. It has to be done every day. Har class mein,
हर क्लास में वी हैव टू सी व्हेन वी आर टीचिंग, जब पढ़ा रहे हैं वी हैव टू सी व्हाइल वी आर टेकिंग द क्लासेस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द साइकोलॉजिकल हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स वी आर टीचिंग देम अच्छा खाना कौन सा है, व्हाट इज टू बी डन, एंड हु ऑल प्रिपेयर्स, कौन प्रिपेयर करता है, ये सारे हम सिखाएंगे तो चिल्ड्रन विल बी अंडरस्टैंडिंग लाइफ बेटर. They will, and in fact, हम इसमें जो holistic development है, that we will achieve. So, in the holistic development, we have to teach the child good and the bad. We have to show them the dark side of the society also. तभी जाके they will be able to differentiate what is good and what is bad. And that is what is required. हम उनको cushion नहीं कर सकते. We can't keep them covered and show them only the good part of the society. We have to teach them while exposing them to the reality. वो reality में हम expose करेंगे, then we'll teach the children how lucky they are to have whatever they have. उसको जो है ऊपर वाला का दुआ है that they've got everything in life. So unless and until they realize, they will not be grateful to their seniors, to their parents, to their teachers. So all this teaching the personality development with the academics will give a whole holistic development of the child, which will include academics, fine arts, the sports, health, wellness, the social skills, the life skills, I can say, that will be very much effective. The inclusive education, as I said, for every child in the country, is that's what we are aiming at. Inclusive education will ensure those who are privileged and those who are not so privileged are also getting education. Here, thoda sa main aur batana chahungi ki reduction of the curriculum according to the new education policy will ensure that rote learning nahi chalega. Rote learning mein kya hota hai? Acha, jo sikhaye, wo yaad karke, then they perform in the examination. Now, the assessment system will be such that they will have to have critical thinking. That is what is required. Critical thinking and collaborative learning is something what we are going to ensure. So rote learning will discourage rote learning. The creativity, rote learning jab hi chala jayega, creativity aayega. So all these are, frankly speaking, part of the new education policy, and I think it is an excellent and a very, very progressive policy that I can say. So now, as I was saying, that you can't teach or you can't continue teaching if you are not learning. And teaching profession aisa hai ki we are constant learners. Why? Because as I said, we are preparing the future generation. We are preparing, हम ऐसे बच्चों के साथ deal कर रहे हैं जो कल को ये ऐसे jobs लेने वाले हैं जो they have not, we have not even thought of. तो उनके लिए we have to be constantly learning, and that is something which NEP emphasizes on. For promotions, for continuations, we need to understand that we have to learn continuously. Again, यहाँ पे मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगी that yes, CBSE, most of the school, मैं CBSE बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर CBSE schools ही हैं. However, मैं ICSE schools का भी principal रह चुकी हूँ and I'm very much aware of the international curriculum also. सभी में ये emphasis है. ऐसे नया कुछ नहीं आया कि अभी teachers को भी पढ़ना पड़ेगा. No, we have been very much aware that teachers, for teachers, learning is a progressive methodology. Unless and until teachers are progressive, they will not be able to deal with the children in a progressive manner. So they regular workshops, regular courses for teachers are constantly on. As principals, as management, sare hum encourage karte hain. Teachers should go in for higher studies. Teachers should go in for progressive studies. There are various workshops. मैं खुद CBSE का resource person हूँ. मैं खुद workshop लेती रहती हूँ. मैं खुद जाती भी हूँ. मैं teachers को भेजती भी हूँ. I think ये सारे schools में चल रहा है. However, जहाँ पे नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी ये जरूरी है. That is something which again the NEP 2020 emphasizes on. That is the teachers, the torchbearers for a change. Teacher career development has to be a
कंटिन्यूअल प्रोसेस एंड उसमें हाई क्वालिटी मटीरियल फॉर टीचर्स एज रिजुविनेटेड एकेडमिक सपोर्ट. इसमें इंस्टीट्यूशंस शुड सपोर्ट the Ministry of Education now will be framing it already had it will be having added resources where teachers can go in. आजकल काफी portals में भी है where teachers can update themselves जो भी जो क्या new development हो रहा है in that particular area आपका अपना subject में जो अगर ज्यादा जानकारी चाहिए everything is available. So now we have to ensure it's become compulsory. So ये बहुत अच्छा एक चीज हुआ है. अब तक काफी जगह पे ऐसे भी होता था कि एक बार टीचर बन गया तो now she continues till she retires. Now it's not going to be there. They have to upgrade themselves at a regular interval. That we as institution heads, we part of the management will have to ensure so that we get quality teachers. इसमें शायद ये जो प्रोग्रेशन जो होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि मेनी पीपल विल स्टार्ट जॉइनिंग दिस प्रोफेशन जो नहीं हो रहा था. फ्रेंकली स्पीकिंग आई विल कम टू इट. इवन द बजट दैट हैज बीन मेरा बाद वाला स्लाइड है जो बजट्स हमारा रखा गया है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एनकरेज मोर पीपल टू ज्वाइन. मेनी पीपल से टीचर्स तो बहुत टीचर्स है बाई चॉइस नहीं आया बाई चांस आ गया. शायद ये बात पूरा रॉन्ग नहीं है. हाउएवर एक टीचर जो दो साल या तीन साल एक प्रोफेशन में ये टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो चांस नहीं होता वो चॉइस से ही है. हम लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं और जो भी है जैसे दो साल से ज़्यादा जो है ये अभी बाई चॉइस ही हो गया. बिकॉज why we enjoy the our job, we enjoy being with the children, we enjoy being with the teenage, we enjoy being with the growth of the child. Hum dekhte hain bachche chote bachche aate hain hamare paas wo kaise grow karte their mind they are full of dreams. The youth, the class senior classes hum dekhte hain bachche they have got such wonderful dreams. So as teachers, as educators, as principals, as policy makers, as management members, we have to see ki hum bachcho ko wo mauka de jo dream urne ka hai unko hum wo wings de ki wo ur sake. I think ye agar hum kar paye to hamara job bahut successful hai. There are many times we see koi bachcha bahut itna disciplined nahi hai wahan pe bhi I will say bachchon ka galti kahin hai hi nahi. It is the teachers who are responsible to make a child disciplined. Isme we cannot say you do this ab ye karo aap wo karo ye mat karo wo mat karo. Hum as teachers hum as educationists hum those who deal with the children we have to be exemplary. Hamara school should be having such an atmosphere jisme hum bachche ko bachche dekh ke seekhe. There should be happiness amongst the members in the school. There should be happiness amongst the teachers. The discussions that teachers do, that also should be very progressive. They have to discuss only things when the children hear, when they pass. They should hear such wonderful discussions that they get encouraged. So we need to ensure that the children are disciplined, the children are happy. And all these, I think, will be part of the teacher's education, which will be very much part of the new policy. That is something again very progressive because teachers will be now getting a chance to learn. There are many abhi tak kya tha kafi logo ko mauka mil raha tha padhne ka kafi logo ko teachers ko padhna tha lekin whatever they were not getting that opportunity. Now with this policy coming up I think it's going to be a compulsory thing and everyone will get a chance to upgrade themselves and teachers isme bahut khush ho jayenge kyunki everyone wants jo bhi jaise bhi hai they also want to do better every day. So that is what I will go back jo ye jo shift hua hai virtual mode mein isme teachers ka itna enthusiasm humne dekha hai bahut surprising. Everyone, those who are a little senior, जो कभी टेक्नोलॉजी इतना यूज किया भी नहीं, even they have done it so well. So जो enthusiasm है, I think with the policy coming up that they have to upgrade themselves, they have to learn, all the teaching faculty will be very happy and they will be able to be do justice in the right manner.
So even we have seen a bachelor degree, that is B.Ed. degree also will be a little lengthy with they can do from multidisciplinary institutions. And this also will be teaching the new tactics, the new methods, the new digitization, everything in the course, which all the teachers will be, new teachers will be also updated. We were saying that the technology is something which I just mentioned also previously, which has become abhi to already hamara part ho hi gaya hai, and this will be continuing now. Ye continuation of technology. Now only thing is, yes, it should reach, it's the responsibility of you, of me, of the government, because government kaun hai, hum hai. So it's a responsibility of ours now to see that technology reaches every corner of the country, because this education policy is not for only limited people. It's not for only places where the city obliquely, the places where these things are not a problem. We will have to ensure that it reaches every corner. And I think abhi jo ye policy mein aaya hai, the government authorities also will take care, the schools also will take care, that their infrastructure is good, because technology agar hai to infrastructure ko bhi, because once a child comes to school, jaise maine bola ki child should be happy coming to school. So if you are happy, happiness kaise aayega? When you see the clean, neat and clean school, very well maintained school, whatever is required, jaise technology chahiye ya teachers ka kami nahi hai, jo padhane ke liye what all we need, everything is available, to usme the child will be feeling happy. Jabardasti sirf khana dene se hi bachcha nahi aayega, wo usme bhi do teen din char din aayega, uske baad they'll stop. So it's going to be a combination of both. We have to see that har cheez jo bachcha chahte hain wo mile, jo ghar mein bhi nahi mil raha hai wo bhi mile. So all these things will be taken care of, and with technology coming in, we will have to see that. And once again, ये हमने देखा है, कल भी मैं एक मीटिंग में थी, वहाँ पे भी कई एक पैनल मेंबर्स बोल रहे थे कि इवन स्मॉल विलेजेस जहाँ पे बच्चे कभी लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन इतना देखा ही नहीं, इवन देश है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं. सो ड्रीम्स सब में है, अवेयरनेस भी है. वो अवेयरनेस को बहुत अच्छी तरह से, और पूरा अवेयरनेस आए, अधूरा ना रहे. वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज एक्सपोज्ड, आई मीन द टेक्नोलॉजी इज गिवन, आई मीन चिल्ड्रन आर गिवन चांस टू एक्सप्लोर इन द टेक्नोलॉजी इवन इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस. सो दैट इज समथिंग विच अगेन एनी पी विल इंश्योर. Other areas which I said it's going to be a reputation, vocational education will definitely take our population, Indian population, to a great height, because now they will be educated. Apne aap bachche seekh rahe the, apne aap, once they grow up, the electrician who comes to our houses, so everyone was learning on their own, khud seekh rahe the. Abhi it's going to be introduced in the schools where children will be prepared so that they learn how to go about it. Isko kaise seekhe, uske aage kya hai, jaise physics, chemistry, biology, economics, english hum padhate the, abhi ye bhi hum sikhayenge. To ye sikhane ke liye we might have to have new recruits. To usme hamara jo jinko mainstream mein padhai nahi kiya, unko naukri nahi mil raha tha. So we will, I think it's a dual balance thing. There'll be many increase of employment, and of course definitely when children get come out with a proper certificate in these vocational educations, for them also it's going to be very easy, because they have to show, they can show that they are qualified, and therefore their job market also will be achieved. So that is something which I think the education policy is taken care of. And as I said, talking of the funds, there is a fund. I will say that yes, we need to take care of this. We need to attract more people to come in this profession, and here respect and the fund has to be such that lots of people also come, good people come for this teaching line, because to get good recruit we need good payment,
And for good payment, we need good budgeting. Leave aside the privatized schools. I'm talking sub generally. Batai. So, ye funding ko jo hai, we have to see that our respect is given. And I think utilization, jo fund diya hua hai, the percentage mentioned kiya hua hai, I think proper utilization itne iska ho, to bahut badhiya. Ye utilization ho raha hai ki nahi? That is something which we have to take. Jitna hume diya gaya hai, ye pura utilize kare. So that it's 100% used, and therefore we take care of, as I said, the infrastructure, the technology, jo chahiye education ki di, hum sab kar sakte. Ye, if we take care of all these, I think it's going to be a great success. New education policy 2020 is very progressive, and it is definitely going to take our country to a great height, and it's going to be very useful for each and every citizen of India. That is basically what I had to say. If I have any questions, I'm there to answer you. Yeah, thank you so much, ma'am, for your wonderful presentation and wonderful explanation of the new education policy. I was reading the comments in the box that we have got a very good comment about the national education policy, and simultaneously we have a lot of questions also in the mind of our viewers. Like the first question which I would like to take the first question is that many people are saying about the new national education policy that now the basic education, like pre-primary and primary education, will be in the mother tongue. Aisa aa raha hai ki mother tongue mein ab padhai hogi, jo starting classes mein. Question ye hai ki ek to ki jo gaon ke areas, वहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर जो बच्चे भाषा बोलते हैं, इट्स नॉट हिंदी, वो तो कुछ और ही बोलते हैं जो उनकी मदर टंग होती है, लाइक भोजपुरी है या अवधी है या ब्रज की भाषा बोलते हैं या और भी बोली तो बहुत सारी है हमारे यहाँ. तो क्या जो पढ़ाई होगी वो उनकी मदर टंग के अकॉर्डिंग होगी या हिंदी में होगी? हिंदी मीन्स जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, बिहार है हिंदी भाषी क्षेत्र में, तो पढ़ाई हिंदी में होगी या बिहार में पढ़ाई मैथिली में होगी, ब्रज भाषा में होगी या जो है उत्तर प्रदेश में पढ़ाई अवधी में होगी? ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के मन में है. तो क्या इसके बारे में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है? देखिए, जब मैं बोल रही थी इसके बारे में तभी भी मैंने समझाया, अभी भी मैं वही बोलूंगी कि इट हैज बीन सेड एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया कि दिस विल बी एनकरेज्ड. However, it's ऐसा मतलब ये नहीं है कि सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी में जो पढ़ाते सब उठ जाएगा. नो वे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ये आजकल टेक्नोलॉजी का क्या फायदा क्या है? टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है. तो उनमें हम अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि ओनली इन दी मदर टंग, देन वी विल नॉट बी टू, दिस इज टू एनकरेज बिकॉज अर्ली ईयर्स में देखा गया है दैट इज द बेस्ट वे टू टीच द चिल्ड्रन. जो घर में सुनते आए हैं वही उसी को हम यूज करके हम सिखाएं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. बच्चे समझ सकते हैं अच्छे से, दे विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सो दैट इज हाउ इट इज सेड दैट ऑफ टाइम फ्रेमवर्क हैज बीन गिवन. बट ऐसे नहीं है कि वो कंपल्सरी, कहीं पे कुछ कंपल्शन है ही नहीं. देर हैज बीन नो कंपल्सरी थिंग दैट इज गिवन. सो इट इज अप टू अस, इट इज अप टू द पेरेंट्स, इट इज अप टू द स्कूल, वॉट एवर दे चूज. बट If a child is coming, as you said, जो भोजपुरी सीख के आए हैं और जो अदर लोकल लैंग्वेज सीख के आए हैं, ऑल दिस डेज वॉट वी वर सेइंग इज कि ये तो इंग्लिश मीडियम से नहीं आए हैं तो ये नहीं कर पाएगा, इसको हिंदी मीडियम से नहीं आए हैं ये नहीं कर पाएगा. ये एक एटीट्यूड था एजुकेशन इंस्टीट्यूट का भी, पेरेंट्स का भी माइंड सेट था कि नहीं हो पाएगा. हाउएवर आई विल से, जैसे आर्मी स्कूल्स में हमने देखा, क्लास फाइव में भी हम बच्चों को लिया है जो गाँव से उठ के आए एंड दे डोंट नो एनीथिंग इन इंग्लिश. सो वी डिड टेक, ऐसे ही है जो पॉलिसी के दौरान यही हम सोचेंगे कि इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग. हाउएवर इफ अ चाइल्ड डज इट, येस द चाइल्ड इज वेलकम टू कम टू द मेन स्ट्रीम स्कूल एंड लर्न इन हिंदी और इंग्लिश वेन एवर द चाइल्ड इज कम्फर्टेबल.
दैट इज व्हाट द पॉलिसी सेज. कहीं पे ये है ही नहीं कि इट हैज टू बी इन द मदर टंग, इट हैज टू बी इन द लोकल लिंगो एंड नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज. सो दैट इज बेसिकली व्हाट द पॉलिसी टॉक्स अबाउट. थैंक यू मैम. एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक तो कई सारे लोगों के मन में ये है कि ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, लाइक आ तो गई है, इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है एंड व्हेन इट विल बी स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स. इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी एज सून एज पॉसिबल. देर आर डिग्रीज. पहले ये पेंडेमिक के लिए तो सारा सब कुछ थोड़ा डिले हो गया. हमने देखा है बच्चों का एग्जामिनेशन पीछे हो गया, रिजल्ट पीछे हो गया, अभी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो भी पीछे चला गया. इनफैक्ट यूनिवर्सिटी क्लासेस शुरू का वो भी सब पीछे चला गया. हाउएवर the policies had and has an intention as soon as possible. In fact, certain areas are there. अचानक पूरा policy को एक साथ हम नहीं शुरू कर सकते. The many implementations will start from 2020. From this next academic session, 2021. The next academic session, that is April. There are many which will be now. Say for example, ये जो it's a continuation of the process. We will see that college may now maybe they will be able to get direct admission with any vocational courses in the next segment. But definitely, जो अभी शुरू किया है इस दौरान हम कुछ change नहीं करना चाहेंगे कि बच्चों confused ना हो. So ये session हम ऐसे ही चलाने की कोशिश करेंगे. अगला session से definitely most of the implementation will start. Okay. One more question is there, ma'am. 2009 में government एक act लेकर के आई right to education act and under which act बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई. क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस जो आरटी एक्ट है ये साथ में पैरेलल चलेगा या आरटीई एक्ट में भी कुछ बदलाव जो है वो एनईपी के साथ में किए गए हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में इतना स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया, बट आई सपोज जो ये तो हम जब ड्राफ्ट में भी हमने पार्ट लिया था, जब मैंने डिस्कशंस में तभी हमने देखा है जो फैसिलिटीज दे के आए हैं हम, वो फैसिलिटीज को कहीं कम नहीं हो, वो फैसिलिटीज कंटिन्यू होगा. बिकॉज हमारा इंटेंशन ये नहीं है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी डज नॉट हैव एनी इंटेंशन कि जो हो के आए हैं जिसमें हम सक्सेस रेट देखा है उसको हम कहीं छेड़ना नहीं चाहते. वो तो चलेगा ही, उसके आगे और भी ये जो चेंजेस है ये लागू हो जाएगा. तो जितना हमारा सक्सेस था वो तो रहेगा और आगे भी हमारे को सक्सेस मिलेगा. सो इट विल कंटिन्यू, द गुड थिंग्स विल डेफिनेटली कंटिन्यू विथ द न्यू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द अदर पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, जो अभी सारा दुनिया डिस्कस कर रहे हैं, ये सब मिलके वी विल, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि वी सी लेस ऑफ ड्रॉप आउट, वी सी मैक्सिमम एडुकेटेड स्टूडेंट्स, एडुकेशन सब कोने कोने पे रीच करें, तो यही इंटेंशन है. सो इट विल बी डेफिनेटली कंटिन्यू, द गुड थिंग्स विल कंटिन्यू एंड इनफैक्ट सारी गुड थिंग्स ही है. पहले भी एजुकेशन पॉलिसी जब आए हैं तभी इतना ही रिसर्च किया गया था, इतना ही डिस्कशन हुआ था, तब जाके हुआ है. एंड थिंग्स चेंज, जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे प्रोग्रेसिव थॉट हमें चाहिए होता है. सो इसीलिए न्यू डिवेलपमेंट्स होना होता है. सो थिंग्स विल कंटिन्यू एंड वी विल ऐड द न्यू चेंजेस. यस मैम, डेफिनेटली. वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जैसे अभी इन्होंने जो चेंजेस किया है प्रमोशन का, लाइक क्लास का चेंज कर दिया. पहले वी वर फॉलोइंग 10+2, 10th बोर्ड दिया देन 12th बोर्ड दिया, अभी इन्होंने उसको चेंज किया है. जो है पहले प्री प्राइमरी दे दिया है जिसको कि बेसिक किया है, फिर उसके बाद मिडिल, फिर सेकेंडरी एंड देन हायर सेकेंडरी. प्रमोशन का जो क्राइटेरिया था या प्रमोशन का जो सिस्टम था उसमें भी क्या कोई किसी चेंजेस के बारे में एनईपी में डिस्कशन हुआ है? इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी जो ये डिविशन जो हुआ है, पहले प्री स्कूल्स का तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया कि बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि ये जो प्रमोशन जो लागू अभी होगा उसमें हम देखेंगे मैक्सिमम चिल्ड्रन विल बी
able to cope up with the syllabus and therefore going to the next to next and the next class. Detention ka बहुत कम चांसेस है क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन फर्स्ट सिक्स ऑनवर्ड्स तो आपको अच्छा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट चाहिए वो मिलने वाला है. हाउएवर दी रोट लर्निंग अगर ख़त्म हो जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, जब हम क्लास में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दौरान जैसे हम पढ़ाएंगे जो मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे उसमें सिलेबस भी कम है प्लस रोट लर्निंग भी नहीं है. सो अंडरस्टैंडिंग पावर विल इंक्रीज, अंडरस्टैंडिंग पावर विल इंक्रीज. जैसे अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होगा एग्जामिनेशन में अच्छा करेगा बच्चा एंड वो आगे आगे बढ़ते. हमारा इंटेंशन यही होगा टू सी जो हम पढ़ाया क्लास में. फ्रेंकली स्पीकिंग नंबर सब कुछ है ही नहीं. असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट है जो मैंने पढ़ाया वो बच्चा समझा कि नहीं, बस दैट इज इट. अगर बच्चा समझ लिया तो असेसमेंट तो ऐसे ही अच्छा कर लेगा. सो दैट विल बी वॉट इज इम्पॉर्टेंट, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड आई थिंक जो रिडक्शन सिलेबस हो गया, रोट लर्निंग हम डिस्करेज करेंगे तो इसमें बच्चे इंजॉय करेगा. जैसे चिल्ड्रन इंजॉय स्कूलिंग वैसे ही आउटकम भी अच्छा रहेगा एंड प्रमोशन असेसमेंट्स ऑल्सो विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. थैंक यू मैम. वन देर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव हियर, बट मैं दो 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 एक क्वेश्चन और लूंगा क्योंकि हमारा जो है जो समय है वो हो रहा है. एक तो ये है कि जैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ और मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक एजुकेशन है उसकी हालात क्या हैं. ऐसे इंटीरियर्स में स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स का पहुँचना मुश्किल, अगर बारिश हो जाए तो शायद उसका पहुँचना मुश्किल हो जाए. कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है बट वहाँ पर टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है. तो इस पूरे जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्या इसमें टीचर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के भी किसी तरीके की कोई बात की गई? बात तो बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसमें दो चीज जरूर है, स्टूडेंट्स टीचर्स. तो ये डायरेक्टली हो या ना हो इट इज सारे जुड़े हुए हैं. एंड टीचर्स का अभी हम देखेंगे विद द चेंजेस इन द पॉलिसी, विद द रिस्पेक्ट, विद द बजटिंग, आई थिंक ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाहेंगे ये प्रोफेशन में. एंड ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा हमारे लिए, बिकॉज ये एक रिक्वायरमेंट है. अच्छा टीचर्स, मैं पहले भी मेंशन किया है, अच्छा टीचर्स की बहुत ज़रूरी है. एंड रिगार्डिंग पहुँचना इन छोटे छोटे गाँव में, इन विलेजेस, इन वेरी रिमोट एरियाज, देखिए ये तो एक टोपोग्राफी का प्रॉब्लम जो है उसको साथ लेके ही हमें चलना पड़ेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो रीचिंग आउट देयर, वो जो डिफिकल्टी था वो तो रहेगा. दैट इज नॉट डायरेक्टली इनटू एजुकेशन ओनली, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द लोकल बॉडी, द कम्युनिटी, द सोसाइटी. Which will have to, जैसे मैंने बताया, education will be complete only when all of us join together, all of us join hands. So इसमें society का काम है, इसमें community का काम है, इसमें जो political leaders है उनको सब, I think ultimately सबका तो aim यही होगा कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, हमारा देश बहुत progressive हुआ है. Because as it is we have proved, India has proved that we are nowhere behind, balki we are much ahead of what we think. Hum jo sochte hain, hum jahan pe hain uske bahut aage hai. So sabka intention wahi hoga ki hum aur bhi progress dekhe. So I think ye sabka kaam hai, sab milke hum kaam karenge to ye chote chote problems rahega but we can overcome, sare problems door ho jayenge and we will be definitely reaching our goal, that is to make a better India, a better world. डेफिनेटली मैडम, जो मैंने कल भी इस बात बारे में कहा था कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसीज बनती हैं, एनी टाइप ऑफ पॉलिसीज, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आर्थिक नीतियाँ हो, पॉलिसीज कभी भी ख़राब नहीं होती हैं. पॉलिसीज हमेशा अच्छे टारगेट को लेकर के बनाई जाती हैं और अच्छे टारगेट्स को अचीव करने के लिए ही प्लानिंग करके पॉलिसीज बनाई जाती हैं. बट उनका जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन करने में वो पीछे रह जाते हैं या इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता तो डेफिनेटली वो पॉलिसी फेल होनी है। वो पॉलिसी चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो प्रदेश के लिए हो, जिले के लिए हो, या आपके अपने घर के लिए हो। आप अपने घर के लिए भी कोई पॉलिसी बनाते हैं और अगर घर के जो मेम्बर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली जो है वो सक्सेस नहीं होगी और जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। एक क्वेश्चन है मैडम कि आपके हिसाब से ये जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है कब तक अभी ये आगे ऑनलाइन टीचिंग का उम्मीद है कि ये चलता रहेगा? मैं इस क्वेश्चन में यही बोलूंगी, ऑनलाइन टीचिंग हमेशा अभी जो शुरू हुआ है ये चलना ही चाहिए, पूरा लगातार चलना चाहिए। बट यस, ऑनलाइन टीचिंग में कहीं पे कुछ कमी है, जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं हम लोग उसमें कहीं पे वी आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग। आप सोचेंगे सब स्कूल्स ये जो छोटे छोटे चीज हम करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सारे स्कूल्स इंडिपेंडेंस डे करेगा इन द वर्चुअल मोड, कहाँ पे क्या कम हो रहा है? वही बच्चे डांस करेंगे, बच्चे चिल्ड्रन विल बी सिंगिंग, चिल्ड्रन विल बी रिसाइटिंग, तो हर चीज हो रहा है। ये वर्चुअल क्लासेस में कहीं पे हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। बट यस, वॉट वी आर लीविंग द स्टूडेंट पीयर लर्निंग, एक दूसरे से जो लर्न कर सकते हैं, जो सीख सकते हैं, जो एम्पथी, जो सिंपथी, जो आई कॉन्टैक्ट होता है टीचर्स के साथ बच्चों का, जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिस कर रहे हैं हम, आई कॉन्टैक्ट मिस कर रहे हैं, द स्माइल्स दैट वी सी कॉन्स्टेंटली वो हम मिस कर रहे हैं। बच्चे फिजिकल एजुकेशन करा रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं, डांस क्लास चल रहा है, योगा क्लासेस चल रहे हैं, पेरेंट्स बहुत वी सी बहुत पेरेंट्स इतना एंथुसियास्टिकली बच्चे के साथ गार्डनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, खेलते हैं इंडोर गेम्स। हाउएवर जो फील्ड गेम्स है वो मिस कर रहे हैं, जो चॉक एंड डस्टर का जो काम है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल क्लासेस, उसमें जो मिसिंग है दैट विल डेफिनेटली दैट चिल्ड्रन आर डेफिनेटली मिसिंग फॉर दिस 3-4 मंथ्स। तो इसीलिए बट एट प्रेजेंट कोविड का सिचुएशन ऐसा है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अभी 2-3 दिन से के पहले एक न्यूज़ भी आया था कहीं कंट्री में, आई डोंट वांट टू मेंशन, कि स्कूल स्टार्टेड और स्कूल स्टार्ट होने के बाद अचानक कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो फर्स्टली सेफ्टी इज द मेन क्राइटेरिया एट प्रेजेंट, हम बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं। We have to protect our children, we have to protect our citizens, the young citizens first, that is our priority. इसीलिए फिलहाल तो हम क्लास का सोच ही नहीं रहे हैं, वी विल वेट, सिचुएशन जैसा आएगा गवर्नमेंट से वैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शंस आएंगे एंड हम उस हिसाब से ही चलना चाहते हैं। हाउएवर वी आर वेटिंग बिकॉज वंस वी स्टार्ट द स्कूल ऑनलाइन क्लासेस विल कंटिन्यू बिकॉज ये इट्स अ प्रोग्रेसिव थॉट, ये प्रोग्रेसिव रास्ता हमने पकड़ लिया, सो उससे पीछे नहीं जाना है। अभी स्कूल खोलने के बाद भी वी विल कंबाइन, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग, इट्स अ न्यू नॉर्मल, नॉर्मल तो होगा बट इट्स अ न्यू नॉर्मल, सो वी विल कंटिन्यू विद आर ऑनलाइन क्लासेस इन इवन इफ वी ओपन इट इन स्कूल when they, because it's going to be a combination. अभी शुरू जब शुरू पहले जब शुरू करेंगे we'll have to see social distancing हम maintain करना है, तो social distancing maintain करना मतलब हर बच्चा जैसे आता था स्कूल में वो नहीं आ सकता है, सो मे बी आधा क्लास को हम बुलाएंगे, मे बी हम odd even numbers को बुलाएंगे, मे बी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ना करके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करेंगे, whatever. So curriculum तो रहेगा and we have to complete it. So it's going to be a combination of online classes and in the virtual classes and the on ground in school classes. So virtual classes to abhi continue karna chahiye because this is something excellent. Aap sochiye pehle hum PTM mein parent teachers meeting jo hota hai generally hum parents ko bo bulate the, kitne parents office chutti leke aana padta tha, aaj kal it's so easy, ghar mein baithe hain, office mein baithe hain, parent teachers meeting mein 10% attendance hoti hai kyunki किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो प्रोग्रेसिव ये हुआ है, ये कंटिन्यू करना चाहिए और ये कंटिन्यू करेगा। बट यस, वी आर ऑल प्रेइंग कि सब ठीक हो जाए और हम बच्चे को देखे स्कूल में हंसते हुए स्कूल आए। हाँ जी बिल्कुल मैडम, इवन हम टीचर्स भी जो है बच्चों से मिले हुए बहुत दिन हो गए और अब ऐसा लगता है कि बच्चों से मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि जो क्लास में लाइव टीचिंग जो होती थी उस वो वर्चुअल टीचिंग हम बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट जो एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो अलग ही, उसका एक अलग ही जो है वो मजा होता है।
बिल्कुल, टीचर्स भी मिस कर रहे हैं, बच्चे भी मिस कर रहे हैं। जी जी बहुत लंबा समय हो गया, उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा समय निकल जाएगा। और जैसा आपने कहा है, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कंडीशंस जो हैं उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अभी स्कूल्स खुलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो जो सिस्टम है ये तो चलता ही रहेगा हमारा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे व्यूवर्स के और भी हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज को लेकर के, मैं कि पर्टिकुलरली क्या किसी लैंग्वेज को एनईपी में बढ़ावा दिया गया है? एनईपी हैज गिवन पोजीशन प्रेस्टीज टू आवर ओन कल्चर, व्हाट द कल्चर दैट वी हैव, हमारा जो कंट्री का जो कल्चर है, जो प्राइड है, संस्कृत लैंग्वेज, अपना लोकल लैंग्वेज को उसको प्रायोरिटी दिया गया है। इसका एक बहुत फ़ायदा है कि हर बच्चा को, अभी हमने ऐसे भी देखा है आजकल द पेरेंट्स आर वन फ्रॉम साउथ, वन फ्रॉम द मदर मे बी फ्रॉम द साउथ, द फादर मे बी फ्रॉम द ईस्ट, सो द चाइल्ड डजंट नो व्हाट टू स्टडी। तो इसमें क्या, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी सी द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग बो, सो इसमें बच्चे इनकरेज भी हो जाएंगे कि अपना जो रूट्स है, रूट्स को हम अच्छे से जान पाए। तो ये देर आर मेनी, वी गॉट नोबेल लॉरियट्स इन बंगाल, वी गॉट सो मच ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन द ग्लोबल वर्ल्ड फॉर आर शॉर्ट स्टोरीज, फॉर आर राइटिंग्स। ये बच्चे भी पढ़ते ही नहीं है क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, सो इसमें इंकरेजमेंट मिलेगा टू नो आर लिटरेचर, टू नो आर कल्चर, सो ये फायदा जरूर होगा। और ये हम इंकरेज भी करना चाहते हैं, हाउएवर अपना देश भी, वी गॉट सो मेनी स्टेट, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें एक लेवल के बाद एक कॉमन लैंग्वेज पढ़े कि बच्चा कहीं पर भी जाए ही कैन एडजस्ट। So it's going to be a dual policy, as I said, जैसे blended learning technology के साथ हम classroom teaching भी करेंगे, तो उसके साथ ये थोड़ा सा हमें देखना है कि बच्चा initial age में अपना mother tongue भी सीखे and at the same time ऐसे citizen बने कि वो कहीं पर भी जाए कोई परेशानी ना हो। So it has to be done in such a manner, एक balance लाना पड़ेगा इसमें, that we will have to see how we implement, ये हमें अच्छे से सोचना है, प्लान करना है पहले से, सो दैट वी सी दैट एवरी चाइल्ड बेनिफिट्स। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद कहीं बच्चों को कोई दिक्कत आए ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे पास अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, बट चूंकि समय ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं हम एक घंटे से, मैं अपने सभी व्यूअर्स को, कुछ व्यूवर्स ने मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ मांगी है, डेफिनेटली आई विल शेयर इट बाय टुमारो इन ऑल द ग्रुप्स। न्यू जो बेस उसका जो है, वैसे तो जो ड्राफ्ट हो तो बहुत लंबा चौड़ा, उतना शायद मैं भेज भी नहीं पाऊंगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, बट उसका जो जीस्ट है वो जीस्ट कुछ 60-65 जो है 65 पेजेस के आसपास का है। आई विल शेयर दैट इन ऑल द ग्रुप्स, और आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कल हम लोग ठीक इसी 4 बजे हमारे साथ केसीएस मेहता जी होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के और जो एस्पेक्ट्स स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग, तो केसीएस मेहता सर टीचर्स ट्रेनिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको टच करेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया कल ठीक 4 बजे हमको ज्वाइन करें। फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी शेयर्ड, ग्रुप एंड कोर्स आल्सो ऑलरेडी शेयर्ड। 2 मिनट के लिए मैं अभी और इसको होल्ड कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग फीडबैक फॉर्म को, जिनको फीडबैक फॉर्म नहीं मिला है वो फीडबैक फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लें और इसको काइंडली जो है वो फिल कर दें, बिकॉज ये जो है उसमें शेयर नहीं होंगे ग्रुप्स में, आप सभी लोग उसको शेयर कर दें। मैडम मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद अदा करता हूँ वन मार्क सॉल्यूशन की ओर से, कि आपने अपने बहुत व्यस्ततम समय से हमारे लिए एक घंटे का समय निकाला। मैं कल देख रहा था आप जो बता रही थी, कल देखा मैंने आप कल के पैनल में भी थे, और नो डाउट इस समय सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके बारे में डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है, सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर मस्ट नो अबाउट द क्लॉजेज जो है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं खुद भी बहुत इनरिच हो रहा हूँ आप लोगों के साथ सुन करके, बहुत सारी जानकारी मुझे खुद भी मिल रही है जो शायद पढ़ने से क्लियरिटी उतनी ना होती। एक बार पुनः मैं सभी का, हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत
धन्यवाद अदा करता हूँ वनमार्क सॉल्यूशन की ओर से। हमारी आज की जो गेस्ट हैं, हमारी आज की जो स्पीकर हैं, मैडम डॉक्टर सुचेता भट्टाचार्य जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे क्योंकि पहले स्कूल का पता था इसलिए मैंने उसका मेंशन किया। मैडम अभी मानव रचना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सब यही सोचे कि सब मिलके इसको सक्सेसफुल करना है। सो प्लीज सी सब मिलके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे सामने चिल्ड्रन आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड देयर फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स। वी ऑल नीड टू होल्ड हैंड्स टुगेदर एंड एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड दे आर वी आर प्राउड ऑफ देम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।